नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 23 अगस्त 2022 और आज का दिन है मंगलवार। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। सिसोदिया का दावा, आप तोड़कर आने पर केस वापस लेने का मिला था प्रस्ताव। मनोज तिवारी का तन, प्रस्ताव देने वाले का नाम बताइए ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा में शामिल होने पर सीएम बनाने की भी की गई थी पेशकश। आबकारी नीति, तो हम जान लेते कि जो ये पूरा मामला है एक्चुअल में क्या है, नई आबकारी नीति क्या है और क्यों इनको लेकर जो विवाद खड़े हुए हैं, सीबीआई ईडी यहाँ पर क्या चीज की तलाशी कर रही है। तो वाकई शराब कारोबार की थी चांदी। नई शराब नीति में दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके जरिए खासकर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। किस पे? दिल्ली सरकार पे। तो दिल्ली में शराब की खुदरा बिक्री फिर से पुरानी व्यवस्था के अनुसार होगी। नई शराब नीति में तमाम तरह की कमियां पाए जाने के कारण उसे फिलहाल वापिस ले लिया गया है। यानी दिल्ली में एक बार फिर से पुरानी शराब नीति लागू होगी। दिल्ली की न्यू एक्साइज पॉलिसी 2020-21-22 को 31 मार्च के बाद दो बार दो दो महीने के लिए बढ़ाया गया था, पहले अप्रैल मई फिर जून जुलाई तक के लिए। लेकिन अब 31 जुलाई के बाद इस पर विराम लग जाएगा और दिल्ली में फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो नई आबकारी नीति पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसको लेकर आप सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि इसके जरिए कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल का भी यही मानना है कि इसमें काफी कमियां हैं और इसलिए उन्होंने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में फिर से शराब की खुदरा बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। तो जान लेते हैं कि जो नई शराब नीति क्या है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री लाइसेंस जारी करने और ठेकेबाज वगैरह के संचालन के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इसके जरिए सरकार अब शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। नई शराब नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए थे। इसके जरिए खासकर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे, जबकि छोटे कारोबारियों को इससे नुकसान पहुंचा। नई शराब नीति में होटलों के बार, क्लब और रेस्टोरेंट वगैरह को रात 3 बजे तक खुला रखने की छूट दी गई थी। वे इसके साथ उन्हें छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह शराब परोसने की छूट थी, जबकि पुरानी नीति के तहत खुले में शराब परोसने पर रोक थी। इसके साथ ही बार के काउंटर पर खुल चुकी बोतलें की शेल्फ लाइफ पर पाबंदी हटा ली गई थी। नई शराब नीति के तहत शराब की दुकान के बाहर स्नैक्स वगैरह की दुकानों पर रोक थी, ताकि खुले में शराब पीने पर पाबंदी लग सके। इसके तहत सरकार किसी भी शराब की दुकान की मालिक नहीं हो सकती। वही शराब की दुकानों का मुंह मुख्य सड़क की ओर न होकर होने को लेकर भी प्रावधान थे। अब शराब किन जगह आसानी से मिल जाती थी। तो नई शराब नीति पर आपत्ति जताने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी इसे देखा और इसकी समीक्षा की। उनका कहना है कि नई नीति के तहत टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर खामियां छोड़ी गई, ताकि लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। नई नीति के तहत राजधानी को 32 जोनों में बांटा गया है। इसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। इनमें से 650 दुकानें खुल गई हैं, यानी एक जोन में 25 से 26 दुकानें। एक जोन के तहत 8 से 9 वार्ड शामिल हैं। अब चलते कि किन बिंदुओं को पर जताई गई है आपत्ति। पहला है कि पुरानी नीति में 60% दुकानें सरकारी थी और 40% निजी हाथों में थी, लेकिन नई नीति के तहत 100% दुकानों को निजी हाथों में दे दिया। दूसरा है
कि नई नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र की जो सीमा है 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई। इसे शराब को बढ़ावा देने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। तीसरा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालित ओपन शॉप और होटलों में 24 घंटे बिक्री हो रही है। सामान्य तो यह सीमा सुबह के 3 बजे तक कर दी गई। शराब की दुकानें जो पहले 150 वर्ग फीट की होती थी, अब उनके लिए शर्त 500 वर्ग फीट रख दी गई है। ऐसे में छोटे मझोले दुकानदारों को भी दिक्कत हुई, दुकानों में बड़ी देखने का भी असर होता है। पांचवा है कि लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या सर्विस वेबसाइट के माध्यम से भी ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। छठा, विपक्षी दल खासकर बीजेपी का आरोप रहा है कि नई शराब नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। सातवां है कि आपत्ति जताई गई है कि नई नीति के मुताबिक बाजार में केवल 16 कारोबारियों को इजाजत दी जा सकती है और इससे मोनोपोली को बढ़ावा मिलेगा। और एक आठवां है कि दिल्ली में शराब की बिक्री करने वाले कई छोटे वेंडर्स दुकानें बंद कर चुके हैं। उनका आरोप है कि बड़े कारोबारियों अपने यहाँ भारी छूट देते हैं और ऐसे में उनके लिए कारोबार कर पाना मुश्किल हो गए हैं। तो इस तरह से ये कुछ दिल्ली सरकार पर लगाई गई आपत्तियां थी और एक ये एक तरह से नई आपका नीति को हमने देख लिया है। तो हम चलते हैं हमारी अगली खबर। रूस ने पकड़ा भारत में हमले की तैयारी में जुटा ISIS आतंकी। ये हमारे कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। सत्तारूढ़ दल के नेता को भी मानव बम बनकर उड़ाने की साजिश, आतंकी को तुर्की में हुई ट्रेनिंग। तो कहीं ना कहीं भारत में एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत पर कहीं ना कहीं जो आत्मघाती हमला करने की मंशा से जो आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने एक आतंकी को रूस में गिरफ्तार किया है। रूस की जो शीर्ष खुफिया एजेंसी है यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, कहीं ना कहीं जो इस आतंकी व्यक्ति आतंकी जो व्यक्ति था, मतलब जो हमारे राजनीतिक शख्सियत को मारने आया था, उसको कहीं ना कहीं रूस ने पकड़ लिया है। ये तुर्की में ISIS की तरफ से कहीं ना कहीं आत्मघाती हमला यानी मानव बम के रूप में इसे प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दी गई थी। ये कहीं ना कहीं एक तरह से भारत में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो की गई टिप्पणी थी उसी का कहीं ना कहीं एक तरह से बदला लेने के मकसद से आया था। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी जो रूस की खुफिया एजेंसी है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की एक तरह से आंतरिक चुनौती बनी हुई है कि कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई सांप्रदायिक हिंसा, आत्म इस तरह के जैसे हिंसा की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे अखंडता और संप्रदायता के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से चुनौती बनी हुई है चीजें। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से इन जो आंतरिक गतिविधियां हैं, जो गैर कानूनी गतिविधियां, इन पर रोक लगाई जा सके। अगली खबर है AIFF के प्रशासकों की समिति को बर्खास्त माना जाए। जैसा कि हमें पता है कि अभी फीफा ने कहीं ना कहीं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर जो भी प्रतिबंध लगाया था उसको वजह से कहीं का अभी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक निर्देश दिया है कि जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति को बर्खास्त माना जाए। इसके बाद भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन की आशा जागी है। भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन और फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी AIFF पर लगाया निलंबन रद्द करने के लिए उन्होंने अपने पूर्व आदेश में बदलाव किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि AIFF के दैनिक कामकाज को कार्यभाग महासचिव संभालेंगे। अब चलते हैं अगली खबर। NTA 28 CUET के 150 परीक्षा केंद्र। जैसा कि हमें पता है कि विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा में लगातार गड़बड़ी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली सहित देश भर में मौजूद करीब 150 परीक्षा केंद्रों को
सीईयूटी के लिए नामित सूची से हटा दिया गया है। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर बार बार गड़बड़ी देखने को मिल रही थी। अब हमारी अगली खबर है एमएसपी समिति की पहली बैठक, दूर रहा संयुक्त किसान मोर्चा। न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्राकृतिक खेती पर गठित उच्च स्तरीय समिति को सोमवार की पहली बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने हिस्सा नहीं लिया है। बैठक में हिमालय राज्य में कृषि की संभावना, माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती और कृषि पैटर्न पर अध्ययन के लिए अलग अलग उप समूह के गठन का फैसला किया गया। अभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से घटेगा 550 टन प्लास्टिक का। जैसा कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक है हमारे लिए एक तरह से महामारी का रूप धारण करने लगी है। एक तरह से कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण को, जलीय जीवों को, समुद्र को, पारिस्थिति को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं प्लास्टिक कचरा कम होगा। और प्लास्टिक कचरा कम होगा तो कहीं ना कहीं जो इससे वेस्ट होता था वो कम होगा। वेस्ट कम होने से कहीं ना कहीं वो पर्यावरण में कम जाएगा। पर्यावरण में कम जाने से कहीं ना कहीं प्राकृतिक जीव जंतु जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है यानी जलीय जीव, समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, इनको कम गंदा करेगा। यानी अगर कचरा, ये प्लास्टिक कचरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये गंदे भी कम होंगे। और दूसरी बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि इसको डिग्रेडेबल नहीं होता है। ये जैसा वर्तमान रूप में वैसा ही आने वाले समय में वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक तरह से जो जीव जंतु इसको खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पेट में जाता है और पेट में जाने के कारण उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी कर देता है। और इसके पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया और कहीं ना कहीं सरकार इसके विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रही है। और नई नीति के तहत कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी विकास और प्रतिबंधित वस्तुओं के विकल्प के लिए भी एक प्रोत्साहन योजना के रूप में काम करेगी, ताकि कहीं ना कहीं इसका विकल्प ढूंढा जा सके। और कहीं ना कहीं जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से उत्पादन कर रहे हैं उन कारखानों पर भी कहीं ना कहीं तरह से प्रतिबंध लगाया जा सके। और कहीं ना कहीं हम उपभोक्ताओं को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम उपभोक्ता ही अगर चीज़ की डिमांड करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे भी सिंगल यूज प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे हाथों में आती रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई चीज है जो इन चीजों को रोक सकती तो वो है उपभोक्ता। उपभोक्ता मांग करना छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं ये चीजें उत्पादन होना छोड़ देगी। जैसे पहले होता था कि जैसे हाथी के दांतों के जो सामान रहते थे उनकी डिमांड रहती थी, तो जब उपभोक्ता जागते हैं कि यार हमारे इस सामान की डिमांड करने से कितने हाथियों की या वन्य जीवों की मृत्यु का कारण बन रहा, तो कहीं ना कहीं जब उपभोक्ता ने इन चीजों की डिमांड करना बंद कर दी तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग थे जो हाथी के दांतों से वस्तु बनाते थे तो उन्होंने जीव जंतुओं को मारना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि इनको मारने से अब उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तो इस तरह से ही हमें इसको देखना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे उपभोक्ता को जागरूक होकर ही कहीं ना कहीं इस तरह से पर्यावरण संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ईडी संबंधी अपने निर्णय की समीक्षा की मांग पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में दिए अपने निर्णय की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गए हैं। शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी, तलाशी, मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने और पूर्क करने के ईडी के अधिकार को कायम रखा था। तो कहने का अभी इसी पर एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की जो आप सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की उस पर एक बार विचार किया, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर राजी हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय प्रणाली के अच्छे कामकाज के लिए खतरा हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा अपराध है जो बेईमान कारोबारियों और आतंकवादी संगठनों के द्वारा किया जाता है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक तरह से गंभीर खतरा है। इस तरह से तो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण खबर क्या बनती है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है और ईडी इस कानून के थ्रू
अपनी कार्यवाही करती हैं और किसके थ्रू ईडी को शक्ति प्राप्त होती है। नक्सल को जड़ से खत्म करना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो बैठक में कुल 18 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 15 का समाधान निकाल लिया गया है। तो नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या से निपटने में सख्ती किए गए हैं और कहीं ना कहीं जो समस्या का समाधान निकालने के लिए कई एक तो सैन्य बलों के स्तर पर कार्यवाही की गई और दूसरा है कि वहाँ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी बढ़ावा दिया गया। जब 2009 में वामपंथी उग्रवाद हिंसा चरम पर थी तब उग्रवादी हिंसक घटना की संख्या जो थी 2258 थी, जो 2021 में घटकर 509 हो गई है। लेकिन हाल अभी भी कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे लिए अभी भी एक तरह से चिंता का विषय बनी हुई है। भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय गृह मंत्री ने। इस बैठक में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल हुए। राज्यों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं नक्सलवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार से इसके समाधान के लिए सुझाव मांगे हैं, यानी इस पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरह से डाकघर खोले हैं और दूरसंचार सेवाओं की गति दी है, मोबाइल टावर है, वहाँ कॉलेज है, स्कूल्स हैं, वहाँ कहीं ना कहीं साइबर सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संबंधित कार्य कर रही है ताकि कहीं ना कहीं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो कहीं ना कहीं सुविधाओं को बढ़ाया जाए, क्योंकि ये इसकी जड़ में ही कहीं ना कहीं नक्सलवाद के जो ये बेसिक मूलभूत सुविधाओं का अभाव में कहीं ना कहीं एक तरह से ये पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हम पूरी व्यवस्था को बदलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इनके जो आक्रोश है ये इनके कारण को जानना चाहिए कि ये एक्चुअल में नक्सलवाद बार बार क्यों वो मुँह खड़ा करने लग जाते हैं, बार बार उठ खड़े होते हैं। तो इनकी समस्या ही कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधा है तो ये चीज वहां नहीं पहुंच रही है, तो इसलिए हमें दोनों स्तर पर कार्यवाही करनी पड़ेगी, एक सैन्य स्तर पर भी और एक मूलभूत सुविधाएं भी कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों तक पहुंचानी होगी। तो हम एक बार क्षेत्रीय काउंसिल को देख लेते हैं। तो कुल 6 जो क्षेत्रीय यानी जोनल काउंसिल है, 6 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया पूरा। ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद हो गई, या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, या पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, या दक्षिणी, या पश्चिमी। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसके अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। तो यहाँ दिखा रखा है कि जो इनकी स्थापना है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी, ताकि राज्यों के बीच समन्वय सामाजिक आर्थिक विकास और कहीं ना कहीं एक तरह से संघीय ढांचा यानी जो फेडरलिज्म उसकी भावना का विकास किया जाए, जो राज्य आपस में ही मिलकर जो साझी समस्या उनका समाधान के लिए मिलजुल कर चर्चा करें, जो आपसी गतिविधियां हैं उनको बढ़ाएं, क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाएं, कहीं ना कहीं एक तरह से जो संघवाद की जो भावना है उसको भी मजबूत करना है। अब ये उत्तरी आंचलिक परिषद, मध्य आंचलिक परिषद जिसके हम बात कर रहे थे, पूर्वोत्तर आंचलिक परिषद, पूर्वी आंचलिक परिषद, पश्चिमी आंचलिक परिषद और दक्षिणी आंचलिक परिषद, तो इस तरह से इनको 6 क्षेत्रीय काउंसिल में बांटा गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। आधार न होने पर मतदाता सूची से नहीं हटेगी कोई प्रविष्टि, चुनाव आयोग। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये इलेक्शन रिफॉर्म के तहत ही कहीं ना कहीं हमें इसको देखना है कि कहीं ना कहीं मतदाता सूची में आधार को जानकारी जोड़ना वैकल्पिक व्यवस्था ऐसा कहा है। लेकिन ये मतदाता सूची और आधार कार्ड को जोड़ने से क्या हो रहा, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में जो मतदाताओं के नाम एक साथ कहीं मतदाता सूची में होने से रोकने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई है, ताकि कहीं ना कहीं जो जाली मतदाता पत्र है उनको रोका जा सके और जो
बहुत सारी जो मतदाता सूची बनाने से उनमें कहीं ना कहीं एक तो समय लगता है और एक कहीं ना कहीं पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं एक उससे भी समस्या का निदान होगा कि कहीं ना कहीं एक देश एक मतदाता सूची के राह पर हम इसको देख सकते हैं। मतदाता सूचियों को मतदाता के आधार से लिंक करने या उसके मानकीकरण करने का काम एक तरह से ऐच्छिक है, तो ये कहीं ना कहीं हम एक तरह से चुनाव सुधार के रूप में भी देख सकते हैं। इस तरह से हमको इस खबर को देखनी है। 2 सितंबर को नौसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत। तो हिंद महासागर में भारत की ताकत और बढ़ाने वाली है, क्योंकि देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल होगा। कहने की ये आत्मनिर्भर भारत का एक आदर्श उदाहरण है। इससे पहले कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और मजबूत होगी, इसका जो नाम है पहले विमानवाहक पोत विक्रम विक्रांत के नाम पर रखा गया है। इस स्वदेशी विमान वाहक से 30 विमान और हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। यह पोत स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान के अलावा लड़ाकू जेट MiG-29 Kamov-31 मल्टीरोल हेलीकॉप्टर जैसे संचालन करने में एक तरह से सक्षम है। शेख हसीना की भारत यात्रा में तिस्ता जल बंटवारे पर हो सकती है बात। तो कहने की जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान कहने की तिस्ता नदी की जो जल बंटवारे को लेकर भी कहीं की चर्चा हो सकती है। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की जो अगली मंत्रिस्तरीय बैठक 25 अगस्त को होगी, तिस्ता और अन्य नदियों के जल बंटवारे पर भी चर्चा हो सकती है इस बैठक के दौरान। रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, तिस्ता नदी विवाद समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। दोनों देशों की 2011 में तिस्ता के पानी के बंटवारे पर समझौते पर हस्ताक्षर करना था, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बार बार आपत्ति के बाद प्रस्तावित समझौते को रद्द कर दिया गया है। जयशंकर जी ने पेरागुए में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहीं ना कहीं जो दक्षिण अमेरिका की यात्रा पे गए हमारे जयशंकर जी कहीं ना कहीं जो बायलेटरल रिलेशन है उसको मजबूत करने गए हैं, ताकि जो व्यापार समझौते हैं उसको बढ़ाया जा सके और जो अमेरिका में जो मंदी के आसार दिख रहे हैं उसका असर भारत पर न हो या कम हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें व्यापार के नए विकल्प तलाशने होंगे। MSP समिति की पहली बैठक शामिल नहीं हुआ संयुक्त किसान मोर्चा। विचार विमर्श के बाद समिति ने प्रमुख मुद्दों पर बनाए 4 उपसमूह। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और प्राकृतिक खेती पर गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक सोमवार को हुई। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने हिस्सा नहीं लिया है। बैठक में कहीं ना कहीं हिमालय राज्यों में कृषि की संभावना, माइक्रो इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती, कृषि पैटर्न पर अध्ययन के लिए अलग अलग उप समूह के गठन का फैसला लिया गया है। साथ ही MSP प्रणाली को पारदर्शी और अधिक कारगर बनाने पर भी चर्चा की गई। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति में जीरो बजट आधारित खेती को प्रोत्साहित करने, खेती की जरूरतों के मद्देनजर फसलों के रुझानों यानी क्रॉप पैटर्न में बदलाव लाने और MSP को और प्रभावी और पारदर्शी बनाने पर विचार विमर्श किया गया। कहीं ना कहीं इनको 4 उपसमूह में बांट गया। तो पहला उपसमूह कहीं ना कहीं हिमालय राज्यों के साथ साथ फसलों के रुझान, फसल विविधीकरण पर कहीं ना कहीं ध्यान देगा, और दूसरा उपसमूह माइक्रो इरिगेशन को किसान केंद्रित बनाने पर अध्ययन करेगा, और तीसरा उपसमूह ऑर्गेनिक व प्राकृतिक खेती समेत जीरो बजट आधारित कृषि में कहने की एक तरह से किसानों को
इसके प्रति आम सहमति बनाने का तरीकों का अध्ययन करेगा। और चौथा है कि कृषि विविधीकरण और फसलों के रुझान का अध्ययन करेगा। समिति में अध्यक्ष समेत 26 सदस्य, 3 स्थान संयुक्त किसान मोर्चा के लिए रिक्त रखी गई है। एमएसपी प्रणाली में कृषि लागत मूल्य आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा किसान मोर्चे का कहना है। एमएसपी पर खरीद का दायित्व राज्य को सौंपने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि राज्य में ही खाद्यान्न वितरण किया जाता है, उससे खाद्यान्न ढुलाई का खर्च भी कम होगा, ऐसा किसान मोर्चे में उनका भी कहना है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत। स्वामी ने कहा राम सेतु को स्मारक घोषित करें केंद्र। राम सेतु को केंद्र सरकार कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेगी? तो राम सेतु से ही राम गए थे लंका, तो राम सेतु चूने के पत्थरों से बना प्राचीन पुल है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र पर बने इस पुल के अवशेष रामेश्वरम द्वीप के निकट पानी के भीतर हैं। लोक मान्यता है ये भगवान श्री राम इसी पुल के जरिए माँ जानकी की खोज में श्रीलंका गए थे। इसी प्राचीन भवन या उसके अवशेष को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का जो विशेष अधिकार है वो विशेषज्ञ की समिति को है। ऐसे में कोर्ट कैसी विशेषज्ञों की समिति को स्मारक घोषित करने का निर्देश दे सकती है? केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के जरिए राम सेतु के अवशेषों को खत्म करने की योजना पर कार्य शुरू किया था। तो अभी हम इसको राम सेतु समुद्रम जो शिप चैनल है उसको भी देखेंगे और सरकार इसको क्यों लाई थी तो वो भी एक बार हम देखेंगे। कहीं बाढ़ कहीं सूखा, खेती में सब उलट पुलट, ये श्री कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, उसके प्रभाव से संबंधित है। किस पे? कृषि पर। मानसून के मिजाज में बिगाड़ी खराब फसलों की तस्वीर। धान की खेती वाले क्षेत्रों में कम वर्षा से रोपाई में भारी कमी, दलहनी खेती वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा ने बिगाड़ी बुवाई का आंकड़ा। तो चालू मानसून सीजन के बिगड़ते मिजाज ने खेती की तस्वीर बिगाड़ दी है। दाल वाली फसलों की खेती होती है, वहां भारी बारिश यानी बाढ़ आई हुई, और उसी के उलट जिन क्षेत्रों में चावल की स्थिति खेती होती है वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार धान की और चावल दालों की जो फसलों की खेती कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावित हुई है, और कहीं ना कहीं इससे खरीफ सीजन की जो फसलें हैं उनका रकबा भी घटा है, और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में खाद्यान्न उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं परंपरागत क्रॉप पैटर्न के हिसाब से हमें मानसून की बारिश नहीं हुई। तो दलहन उत्पाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ज्यादा वर्षा। दलहनी फसलों की खेती वाले राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात व राजस्थान में अधिक बारिश हो रही है। विपरीत दलहनी फसलों की खेती पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दलहनी फसलों के लिए कम बारिश चाहिए। अधिक बारिश होने की स्थिति में बुवाई घट गई और दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूबने और सड़ने का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर चावल उत्पादक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड में कम वर्षा हुई है, कहीं ना कहीं जिससे सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। बंगाल, झारखंड, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे जिले जहाँ कहीं ना कहीं धान की खेती होती है, और कहीं ना कहीं अगर बारिश कम हो और या सूखे के हालत कहीं ना कहीं मंडराने लगे, जिससे कहीं की धान का जो उत्पादन है वो इस बार प्रभावित हुआ और उसका रकबा भी कम हुआ है। इस तरह से कहीं ना कहीं हमें जमा कृषि पैटर्न है उसको भी कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, और उसे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के अनुकूल डालने के प्रयास करना पड़ेगा। सात हजार 500 किलोमीटर समुद्र तट रेखा की सफाई में जुटेंगे
5.5 लाख लोग स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर नामक अभियान को लेकर कहीं ना कहीं ये सफाई कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों की ओर भी लोगों का ध्यान खींचा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का जो इस गतिविधि से कहीं ना कहीं आम नागरिक को लोगों को कहीं ना कहीं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों को इन क्षेत्र मतलब प्लास्टिक है, समुद्री कचरे हैं, उनके प्रति कहीं ना कहीं एक तरह से उनके प्रबंधन में सुविचारित उपयोग में कहीं ना कहीं लोगों को और उनको सिखाया जाएगा ताकि इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए। ये दिखा रहा कि किस तरह से तटों के किनारे किस तरह से प्लास्टिक कचरा इतना पड़ा हुआ है कि एक तरह से कहीं ना कहीं जिससे जलीय जीवों में पर्यावरण संरक्षण है, और कहीं ना कहीं और आखिरी में कहीं ना कहीं जो एक फूड चेन होती है, सप्लाई चेन होती है, मतलब जो खाद्य श्रृंखला होती है, कहीं ना कहीं फिर वो प्रभावित होने लगती है इन सब चीजों से। अभियान के माध्यम से तटीय जल, कल्चर, बायोटा और समुद्री कचरे पर वैज्ञानिक डाटा और जानकारी एकत्रित करने के लिए शोध और विकास संबंधी प्रयासों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि कहीं ना कहीं कारगर रणनीति बनाई जा सके इन समस्या से निपटने के लिए। खतरा बढ़ता बढ़ता तापमान। अभी हम जैसे ऊपर बात कर रहे थे कि हमारे जो इस बार धान की जो फसल जहाँ होती है वहाँ कम बारिश में सूखे के आसार है, और जहाँ दलहनी वाले क्षेत्र है वहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से जैसे हम रिलेटेड कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, और इसके कारण नई नई प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं हाल में एक फिनलैंड की जो एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि आर्कटिक क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले जो तापमान है वो 4 गुना से अधिक वृद्धि से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं औद्योगिकरण, मानवीय गतिविधियों के कारण जो उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों से कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया का तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। वृद्धि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, और सबसे ज्यादा कहीं ना जो दुष्प्रभाव है वो ध्रुवीय क्षेत्रों पर दिखने को मिल रहा है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में आर्कटिक क्षेत्र पर ज्यादा दिखने को मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं वहां की बर्फ लगातार पिघल रही है। आर्कटिक क्षेत्र में तापमान इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? तो इसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं जो पहले सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली किरणें जब आर्कटिक क्षेत्र के बर्फ को घेरती थी तो उसमें से लगभग 80% किरणों का रिफ्लेक्शन हो जाता था, केवल 20% किरणों को ही बर्फ अवशोषित करता था। अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में, और कहने के इसे अल्बिडो कहा जाता था इस परिघटना को, प्रकाश का रिफ्लेक्शन अब कम हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र की सतह तेजी से गर्म हो रही, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो ये 20% था ये कहीं ज्यादा अब ज्यादा जो रिफ्लेक्शन उसे अवशोषित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे सतह गर्म हो रही, और कहीं ना कहीं जिससे बर्फ, अब सतह गर्म होगी तो बर्फ अधिक पिघलेगी, और कहीं ना कहीं और इसका एक दूसरा कारण भी बताया गया है कि समुद्र पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान को संतुलित करने के लिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। यानी कहीं ना कहीं जैसे डायनामिक्स में एक नियम होता है कि जो हीट है वो कहीं गर्म से कहीं ना कहीं ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। तो कहीं ना कहीं अब भूमध्य रेखा के पास हमें पता है कि सूर्य की किरण स्थिति पड़ती है, वो क्षेत्र गर्म होता है। समुद्र क्या करते हैं कि उस हीट को ध्रुवों की तरफ मतलब प्रवाह कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिससे अतिरिक्त ऊष्मा ध्रुवों के क्षेत्रों में चली जाती है, और इस वजह से आर्कटिक क्षेत्र में तापमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी है, और इसका असर कहीं ना कहीं एक तरह से अब वहां जिससे बर्फ पिघलेगी तो जो बर्फ में पिघलने से जो निष्क्रिय बैक्टीरिया है वो वातावरण में आकर एक तरह से नई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। दूसरा है कि आर्कटिक क्षेत्र के जो अगर तापमान बढ़ने से भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं जैसे अभी हमने ऊपर चर्चा की है कि कहीं ना कहीं वर्षा से कहीं ना कहीं मौसम की घटनाओं में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, यानी जो परंपरागत जो मौसम का जो पैटर्न है वो बदलता जा रहा है, कहीं ज्यादा बारिश कहीं कम बारिश हो रही। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे खाद्यान्न पर, जल संकट पर संबंधी कहीं ना कहीं हमारी चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद दो सागर, बेरेंट सागर और कारल सागर में स्थित बर्फ के पिघलने का दुष्प्रभाव भारत में मानसून पर भी पड़ रहा है। कहीं अचानक भारी बारिश हो रही जो बाढ़ का कारण बन रही, तो कहीं सूखे जैसे हालात बन रहे हैं।
इससे न सिर्फ खेती प्रभावित हो रही बल्कि समुद्र का स्तर भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। तो कहने के जो द्वीपीय देश है उनके डूबने के आसार भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनते रहेंगे। तो कहने हमारे एक इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित विषय है। चीन का जासूसी पोत श्रीलंका से रवाना। तो सुरक्षा कारणों से भारत ने श्रीलंका के समक्ष जताई थी आपत्ति और चीन के दबाव के आगे झुके श्रीलंका ने देरी से दी थी अनुमति। चीनी पोत 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका था। चीन का जो जासूसी पोत है कहीं ना कहीं श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर से रवाना हो गया। कहीं ना कहीं जो ये पोत था बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग करने वाला युआन 154 था। ट्रैकिंग सिस्टम हम्बनटोटा बंदरगाह से भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी कर सकता था। तो इसी को देखते हुए भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी श्रीलंका के समक्ष। अब चलते हैं अगली खबर। पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से पूरी दुनिया में दिखा वेब पेज। 1991 में आज ही वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने पहली वेबसाइट बनाई थी और कोई वेब पेज पूरी दुनिया में नजर आया था। इसे स्विट्जरलैंड में डेवलप किया गया था। HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार स्थापित किया गया था। हमारी अगली खबर है GS1 से ज्योग्राफी सोलर सिस्टम से संबंधित है। तो फिर पृथ्वी को निगल लेगा सूरज। 4.5 अरब साल हो चुके हैं सूरज की उम्र और 8 अरब साल की उम्र के बाद पड़ने लगेगा ठंडा। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पृथ्वी पर जीवन का मूल स्रोत सूरज ही है और सूरज से मिलने वाला प्रकाश और उसकी गर्मी ही यहाँ जीवन का सुगम बनाती है। तो हम देखते हैं यहाँ हमारे महत्वपूर्ण जो खबर है। हाइड्रोजन पर टिका है सूरज का जीवन। सूरज की ऊर्जा का सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उस पर उपस्थित हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से सूर्य पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर एक तरह से हीलियम बनाते हैं और एक तरह से एनर्जी रिलीज होती है। धीरे धीरे हाइड्रोजन कम होती जाएगी और जिससे सूर्य का तापमान भी गिरने लगेगा। अब बढ़ता जा रहा है ही आकार। कौन सा तारा किस तरह का व्यवहार करेगा यह उसके आकार व द्रव्यमान आदि पर निर्भर करता है। सूर्य पर जब हाइड्रोजन की कमी होगी तब उसका आकार विस्तार लेना प्रारंभ कर देगा और उसका आकार सैकड़ों गुना बड़ा हो जाएगा और ऐसे तारे को कहने के रेड जॉइंट्स कहा जाता है। आदमखोर हो जाते हैं तारे। ग्रह तारे को गुरु तत्व शक्ति से ही उससे बांधे रखते हैं और उसी तारे से उन्हें ऊर्जा भी मिलती है जैसे सूर्य और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह हैं। जैसे ही तारा रेड जॉइंट्स में बदलता है तो उसके ग्रह उसी में समाने लगते हैं और इससे तारों को कहीं ना कहीं कैनिबल स्टार या आदमखोर तारा कहा जाता है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है एक घटनाएं क्या होती। अब हम एक बार मैपों का एनालिसिस करेंगे। तो ये है राम सेतु ब्रिज यानी ये हो गया पूरा हमारा भारत यानी रामेश्वरम रामनाथपुरम और ये हो गया श्रीलंका और इसके बीच में हो गया ये कहीं ना कहीं से ब्रिज ऑफ एट पंबंदी और ये हो गया रामेश्वरम और ये हो गया अंडर वाटर कोरल ब्रिज यानी एडम ब्रिज या राम सेतु ब्रिज। इसे और भी देखेंगे। अब ये जैसे ये भारत है ये इंडिया और ये तमिलनाडु और ये श्रीलंका और जो अभी जो प्रपोज किया था सेतु समुद्रम जो शिप चैनल है उसके थ्रू क्या होता है कि जो भारत है भारत का जो पहले शिप होता था वो कहीं ना कहीं जो यहाँ से यानी श्रीलंका के चक्कर लगाकर कहीं ना कहीं जो हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता था यानी
पूर्वी क्षेत्र तक जाता था, यानी जो अभी जो रूट है वो ये वाला है, यानी अरब सागर, इंडियन ओशन और देव बंगाल, यानी ये एक्सिस्टिंग रूट था। और जो नया रूट है, यानी अब इस दूरी का जो विकल्प ढूंढने के लिए क्या किया गया था कि जो सेमु समुद्रम चैनल लाया गया था, ताकि जो राम सेतु ब्रिज है ना, इसके यहाँ से कहीं ना कहीं एक तरह से ये चैनल, यानी यहाँ से इस ब्रिज को काट कर कहीं ना कहीं ये विकल्प निकाला जाए, ताकि इतनी लंबी दूरी तय ना करनी पड़े। और ये जैसे रामायण में एक चित्र है दिखाया हुआ कि यहाँ राम लिखकर कहीं ना कहीं पत्थरों को कहीं ना कहीं समुद्र में डाला जाता था, ताकि ये तरकर एक तरह से ब्रिज का निर्माण कर रहे थे। ये पूरा रामेश्वरम, ये इंडिया हो गया, और ये श्री राम सेतु हो गया, और ये आइसलैंड ऑफ श्रीलंका, ये वो ब्रिज है पूरा राम सेतु ब्रिज, एक तरह से कोरल रीफ से बना हुआ है, एक तरह से आज भी कहीं ना कहीं एक तरह से पुरानी कथा है। कहीं ना कहीं ये धनुषकोटी, ये हमारा आखिरी गांव है श्रीलंका का, ये चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। ये पूरा ऐसे अंदर से ऐसा दिख रहा है ऊपर से देखने पर। रामायण का एक चित्र वर्णन किया गया है यहाँ, ये हनुमान जी और ये राम राम लेकर इस तरह से एक ब्रिज बनाते जा रहे हैं। ये एक चित्र दिखाया है कि ये इंडिया है, ये पंबन ब्रिज, फिर ये रामेश्वरम, फिर धनुषकोटी, और बीच में राम सेतु ब्रिज यानी जिसे एडम ब्रिज बोलते हैं, और ये तल्लीमन्नार यानी श्रीलंका का क्षेत्र है। तो ये इस तरह से, और ये पूरा दिखाया हुआ कि किस तरह से जो रूट है, आफ्टर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट गेट कंप्लीट, जब सेतु समुद्र प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये वाला रूट हो जाएगा। अभी कौन सा रूट है, तो अभी ये वाला है, यानी एक्सिस्टिंग रूट कौन सा है, ये वाला है, यानी इधर से अरब सागर, इंडियन ओशन से होते हुए देव बंगाल, यानी पूर्वी तटों तक जाने के लिए हमें अभी कौन सा रूट अपनाना पड़ता है, ये वाला। और सेतु समुद्र प्रोजेक्ट के बाद ये वाला विकल्प हो जाएगा, ताकि इतनी डिस्टेंस कवर ना करने पड़े। जैसे कहीं भी कन्याकुमारी से ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये पाक स्टेट, ये जापना आइलैंड द्वीप हो गया, इसका प्रायद्वीप हो गया श्रीलंका का, ये बंगाल की खाड़ी, ये इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, और ये पंबन द्वीप हो गया, ये रामेश्वरम हो गया, और ये पाक स्टेट, ये करिकल, पुडुचेरी, चेन्नई। तो इस तरह से इन क्षेत्रों को ऐसे कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ये तमिलनाडु हो गया, ये तुतीकोरण, ये अरब सागर, इंडियन ओशन, और प्रेजेंट रूट के वाला था, और सेतु समुद्रम के बाद ये वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा। धनुषकोटी, ये रामेश्वरम आइलैंड्स, गल्फ मन्नार, ये देव बंगाल। तो इस तरह से कहने का एक तरह से इसका विकल्प ढूंढ लेंगे। ये चित्र प्रस्तुत किया गया है इसे। ये वाला रूट हो जाएगा, एक ये वाला इसमें दिखा रखा है कि प्रोजेक्ट शिप चैनल अलाइनमेंट, ये वाला। अब एक बार तीस्ता नदी को देख लेते हैं, जहाँ बांग्लादेश की जो पीएम है, कहीं ना कहीं इसके जल बंटवारे को लेकर भारत में कहीं ना कहीं चर्चा करेगी, जो उनकी वार्ता होने वाली है। तीस्ता नदी है जो कहीं ना कहीं सिक्किम से होते हुए बांग्लादेश में इंटर कर रही है, और कहीं ना कहीं जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल रही है। ये बांग्लादेश हो गया, और ये तीस्ता नदी हो गई, ये जलपाईगुड़ी, ये तीस्ता नदी हो गई, ये दार्जिलिंग हो गए, ये कंचनजंगा, ये कंचनजंगा हो गया, इधर ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र दिख रहा है, और कहने के ये तिब्बत वाला क्षेत्र आ गया, जहाँ से कहने की नदियों का उद्गम स्थल भी है एक तरह से। ये ब्रह्मपुत्र नदी देश में जो तीस्ता नदी किधर से साइड से मिल रही है, एक तरह से कहेंगे दाई ओर से आकर मिल रही है। ये इसकी सहायक नदी है मानस नदी हो गई, और इसी के कहीं ना कहीं ये मानस नेशनल पार्क भी कहीं ना कहीं इसी के निकट अवस्थित है। ये बक्सा, ये नेलवारी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये गुवाहाटी,
ये धनश्री नदी हो गई, ये धनश्री रिवर हो गई, जिससे दाएं साइड से आकर मिल रही है इसमें। ये बरेली रिवर, माजुली द्वीप के कहीं ना कहीं वो ब्रह्मपुत्र में उपस्थित है, ये जो नदी द्वीप है एक तरह से, ये डिब्रूगढ़। तो और यहाँ से इंटर कर रही है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरह से हमको गूगल मैप का उपयोग करना है तरह से। और एक बार हम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को देख लेते हैं। तो एक बार जो पीआईबी की रिपोर्ट उसको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है नक्सली में। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसको एक बार हम मैप में देखते हैं, इस मैप में दिखाया गया है। कहीं ना कहीं जो गृह मंत्रालय के अनुसार जो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये कहीं ना कहीं सी क्षेत्र नक्सली से प्रभावित है एक तरह से, जहाँ रेड कॉरिडोर्स भी हैं, कहीं ना कहीं यही सबसे ज्यादा हिंसक गतिविधियां भी हो रही है। तो इस तरह से हमको इस मैप को देखना है कि यहाँ कितनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, और कितने इंसिडेंट हो चुके हैं, और अटैक ऑन पुलिस पे इस तरह रिकॉर्ड दिखाया हुआ है कि कहीं ना किस तरह से धीरे धीरे इनकी गतिविधियाँ, यानी जो इनसे गतिविधियाँ उसमें धीरे धीरे कमी आई है। अब चलते हैं हम एक बार इसको देख लेते हैं, जहाँ जयशंकर जी दक्षिण अमेरिका गए हैं, तो वहाँ का एक बार मैप देख लेते हैं। ये बोलिविया, ये पराग्वे, ये यहाँ पर हमारे विदेश मंत्री गए हैं द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौता को बढ़ाने के लिए। ये अर्जेंटीना, इधर चिली हो गया, इधर एंडीज हो गई, ये पेरू पेरू हो गई, यहाँ टिटिका झील हो गई, ये टिटिका झील बोलिविया और पेरू के बीच में अवस्थित हो गई। ये पूरा इधर पहाड़ी क्षेत्र की तरह दिखाई दे रहा है, यानी पर्वत हो गया बिल्कुल, इधर ऊंचे ऊंचे एंडीज पर्वतमाला, ये इक्वाडोर, ये कोलंबिया, ये वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनेम, फ्रेंच गुयाना, ये अमेजन नदियों पर कलरिस के बीचों बीच से, ये ब्राजील हो गया, इसकी राजधानी ब्राजीलिया हो गई, ये रियो डी जेनेरियो, जहाँ कहने की पृथ्वी से संबंधित एक सम्मेलन भी हुआ था पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ये उरुग्वे, मोंटेने मोंटेना वीडियो इसकी राजधानी है, सलवाडोर, ये हो गया। और जो एक जो कहने के जो कर्क रेखा है, इसके इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से होकर गुजर रही है, इसके ऊपर कौन से देश अवस्थित हैं, इसके नीचे कौन से देश अवस्थित हैं, ब्राजील से कौन इन देशों की सीमा लगती है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि चिली की भी लगती है, पेरू की तो लगती है लेकिन इक्वाडोर की भी लगती है। इस तरह से हमारे प्रीलिम्स के प्रश्न बन सकते हैं। अब एक बार हम बेरेंट सागर और एक बार काला सागर को देख लेते हैं। ये दोनों दिखा रखे इसके अंदर, ये रूस वाला क्षेत्र हो गया, ये रूस, ये यूरोप वाला, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, ये आइलैंड, आइसलैंड हो गया, और ये ब्लैक सागर, काला सागर, ये बेरिंग सागर हो गया इसके चलते, ये लेफ्ट सागर, ये पूर्वी साइबेरिया वाला सागर हो गया, ये रूस का ऊपर वाला क्षेत्र, साइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया, और इसका पोर्ट हो गया किसका, रूस का मरमस्क, यानी
और मुस्काया, रूस का एक तरह से बंदरगाह हो गया। और ये श्वेत सागर हो गया है। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से आर्कटिक महासागर हो गया। और ये ग्रीनलैंड हो गया है। हमारी जो एनालिसिस है वो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका।